मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिसे वो पुकारता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिसे वो चलता है, और वो मेरे लिए है, मैं उसके लिए। अलहाज हज़रत पीर सूफ़ी नज़र हुसैन रहमतुल्लाह अलैह वो बुज़ुर्ग हस्ती थे जो पहले तो कैफियत पे गालिब थे। ये मलेरिया के लिए ठीक है, मैदा के लिए ठीक है, इसको हम बलोची में गुच कहते हैं। ये है वस्ती बुज़दार का नया रोड, यहाँ अब ये रास्ता भी बन चुका है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है और ये रास्ता शार्ट का टाइम इम्तियाज़। आप क्या कहते हैं, किस रास्ते से जाएं अभी हम? ये इस रास्ते वाला शार्ट है, ये शार्ट वाले रास्ते से। अल्लाह नमाज पढ़ाने की तौफीक दे। ठीक हो गया, पढ़ाने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर बुज़दार। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, अल्लाह के फजल करम से। तो दोस्तों आज बहुत धुंध है, तो समय इस टाइम तकरीबन दिन के 10:30-11 होने वाले हैं, धुंध बहुत ज़्यादा है। हमने प्रोग्राम बनाया है मैंने और इम्तियाज़ ने कि जाना है वस्ती बुज़दार पीर हज़रत सूफ़ी नज़र हुसैन की ज़ियारत के लिए, तो वहाँ जाएंगे। बाज़ार में भी थोड़ा बहुत काम है, इम्तियाज़ आगे मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो अभी चलते हैं। आइए विलाग का आगा, इम्तियाज़ को मैंने रास्ते से उठा लिया, हम जा रहे हैं वस्ती बुज़दार पीर हज़रत सूफ़ी नज़र हुसैन की ज़ियारत के लिए। तो इम्तियाज़ से पूछते हैं कि वो वहाँ जाके क्या दुआ मांगेंगे। इम्तियाज़ क्या हाल है आपके? बिल्कुल खैरियत है। तो आप वस्ती बुज़दार जाके क्या दुआ मांगेंगे वहाँ हज़रत सूफ़ी नज़र हुसैन की दरबार पर? बस दुआ मांगते हैं। क्या दुआ मांगेंगे, कौन सी दुआ, आपके दिल में क्या हसरत है? बस अल्लाह ताला गुनाहों को माफ करे। अच्छा, अल्लाह ताला नमाज पढ़ाने की तौफीक दे। ठीक हो गया, पढ़ाने की तौफीक दे। ठीक, तस्बीह पढ़ने की तौफीक दे। अच्छा, दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक, इस तरह की दुआएं, इस तरह की दुआएं। ठीक हो गया। कल शाम के टाइम मैंने इधर इस भाई से जूते लिए थे, 2 जोड़े 4 नंबर के थे, वो छोटे निकले, अभी उसे चेंज करवा के 5 नंबर के ले रहा हूँ। इस टाइम हम आए हुए हैं तौसा कलमा चौक के मनाजिर हैं जो मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये पहले रेड़ी वाले यहाँ रोड के ऊपर खड़े होते थे, बाद में एक एसी आ गया, उन्होंने उधर से हटा के इनको फौजी पड़ाव के साथ इधर नज़दीक कर दिया, अभी ये लोग यही खड़े हैं। तौसा कब्रिस्तान के साथ पहले ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, 4 दीवारी नहीं थी, जब से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मा बुज़दार आए हैं तब से ये कब्रिस्तान के दोनों अतराफ 4 दीवारी बना दी गई, जंगले बना दिए गए हैं, अभी ये बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन में है। इम्तियाज़, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, ये जो 4 दीवारी बना दी गई है वज़ीर आला पंजाब ने? ये बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया, ठीक। वस्ती बुज़दार जाने के लिए पहले हम मंगरोठा का रास्ता इस्तेमाल करते थे, जब से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मा बुज़दार बने हैं तब से हम ये रास्ता इस्तेमाल करेंगे। ये शॉर्टकट रास्ता है, कारपेट रोड बना हुआ है, इस रास्ते से तकरीबन काफ़ी सफ़र लगता था, काफ़ी टाइम लगता था, अभी इस रास्ते से ज़्यादा 1/2 घंटे का सफ़र है। पहले ये रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था मंगरोठा वाला, अभी ये रास्ता भी बन चुका है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है और ये रास्ता शॉर्टकट है। इम्तियाज़, आप क्या कहते हैं, किस रास्ते से जाएं अभी हम? ये इस रास्ते वाला शॉर्ट है, ये शॉर्ट वाले रास्ते से जाएं। घंटा लगेगा इधर 35 मिनट। अच्छा, वो घंटा लगेगा, यहाँ 35 मिनट लगेंगे। ठीक, कारपेट रोड नहर के साथ ये साइड वाली दीवारें बना दी गई, किसी भी नाखुशगवार वाक्य को रोकने के लिए ये दीवारें बना दी गई हैं। पहले ये दीवारें नहीं थी, कारपेट रोड आप देख रहे हैं, बिल्कुल नहर में पानी फुल है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये है तौसा शरीफ का नया रोड जो वस्ती बुज़दार की तरफ जाता है। रास्ते में चलते हुए इम्तियाज़ ने बताया कि मोटरसाइकिल से पटख पटख की आवाज़ें आ रही हैं, इसी वजह से मैंने मोटरसाइकिल रोक ली, अभी चेक करके देख रहा हूँ कि इसमें कहीं कोई मसला वगैरह तो नहीं है। सामने नीले कलर वाला कमरा बोर का कमरा है, ये है गुलशन महमूद का एरिया, नहर के साथ मुलहिक एरिया है, यहाँ आबादी ख़तरनाक है क्योंकि छोटे बच्चे किसी टाइम भी आ सकते हैं, नहर उनके लिए ख़तरनाक है। इस वक्त मैं पहुँचा हुआ हूँ कपास की फसल, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ उन्होंने कपास की फसल काश्त की हुई है। इस साइड पर आप देखें, ये
ट्यूबवेल लगा हुआ है। यहाँ के लोगों का भी ज़रिया माश खेती बाड़ी है। यहाँ ज़मीनें काफ़ी सरसब्ज हैं। ये तोसा का नज़दीकी एरिया है, पता नहीं कौन सी बस्ती है, बस्ती झोंक मुहाने वाली के साथ कोई बस्ती है। बस्ती बुजदार यहाँ से 10 किलोमीटर के फासले पे है। पहले जब हम जाते थे मंगरोठा के रास्ते से तो वहाँ रास्ता बहुत ही लंबा था और ख़राब भी था। अभी तो खैर वो रास्ता भी बन चुका है, मगर ये रास्ता बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, बहुत ही जल्दी बंदा पहुँच सकता है, सिर्फ 10 किलोमीटर के फासले पर है। ये है हेड कोट मोड़, नहर के ऊपर पुल बना हुआ है, पुल का नाम है हेड कोट मोड़। और ये तीर का निशान जिस साइड से मोटरसाइकिलें जा रही हैं या आ रही हैं, ये रास्ता सीधा जाता है बस्ती बुजदार की तरफ। यहाँ से बस्ती बुजदार 6-7 किलोमीटर के फासले पे, बहुत थोड़ा सफ़र रह गया। ये रास्ता जहाँ पहले रोड नहीं था, बिल्कुल जंगल बना हुआ था, बिल्कुल यहाँ रेत के टीले बने हुए थे, यहाँ न कोई फसल काश्त की जाती थी, न कोई बंदा आता था और न कोई जाता था, न कोई रोड की सहूलत थी। अभी ये मुकम्मल आप देखें, हर जगह पे काश्त हो रही है। ये है बस्ती बुजदार का नया रोड, यहाँ पहले रेत के टीले हुए करते थे, अभी भी रेत के टीले हैं मगर अभी रोड है। इस रोड के ऊपर आबादी वगैरह तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पहले जंगल ही था, अभी लोगों ने यहाँ ज़मीनें आबाद करने शुरू कर दी हैं। इम्तियाज़ आपको याद है, हम एक दफ़ा इस रास्ते से आए थे, यहाँ बिल्कुल जंगल था, हम फंस गए थे, काफ़ी रात के टाइम था, वो 8 बजे का टाइम था। हम कहाँ गए थे? हम बस्ती बुजदार गए थे पीर सूफी नज़र हुसैन के पास, वहाँ से वापस हम इस कच्चे के रास्ते पे आए थे। उस टाइम यहाँ ये रास्ता बिल्कुल कच्चा था, तो हम बहुत जलीलो ख्वार हुए। हमने तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगा दिए इस रास्ते में, रास्ते में हम फंस गए, कीचड़ था, पानी था, हम बहुत ही जलीलो ख्वार होके पहुँच गए थे। मगर अभी अल्लाह के फजल करम से यहाँ कारपेटेड रोड है और बस्ती बुजदार का सफ़र यहाँ से बिल्कुल 8-10 किलोमीटर है, यानी कि 15-20 मिनट में बंदा बस्ती बुजदार पहुंच जाता था, जहां पहले 1.5 से 2.5-2 घंटे लग जाते थे। हम खुद आए थे इसी कच्ची रास्ते पे, हम बहुत ही जलीलो ख्वार हुए। तो क्या ख्याल है इम्तियाज़, ये तो अच्छा किया वज़ीर आला पंजाब ने यहां रोड देकर, तो बस्ती बुजदार अवाम के लिए बहुत अच्छा। हाँ, बस्ती बुजदार के अवाम के लिए और बस्ती बुजदार के साथ जो कोरों की आबादी है उनके लिए भी ये रास्ता शॉर्ट है, तमाम लोगों के लिए रास्ता शॉर्ट है। हमारे साथ इम्तियाज़ हैं, इम्तियाज़ काफ़ी पुराना बंदा है, उसे पूछते हैं जब भी मैं भारती के इलाके में जाता हूँ तो ये डार के करीब जैन के इलाके में, इसके अलावा ये सालारी के इलाके में और ये चटपौनी के मुकाम पे, आज हम बस्ती पे जा रहे थे हमें फिर ये नज़र आ गए, इसको हम बलोची में गुच्छ कहते हैं। इम्तियाज़, ये गुच्छ किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, इसके क्या काम होते हैं, इसकी ये कौन सी चीज़ है, इसको क्या कहते हैं? ये अच्छा चीज़ है, ये मलेरिया के लिए ठीक है, मैदा के लिए ठीक है। हकीम लोग ज़्यादातर ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये गुच्छ इस्तेमाल करते हैं, इसको कौन सी दवाई में शामिल करते हैं? ये कहते हैं यरकान में ठीक होता है, मैदे में। अच्छा, यरकान के लिए और मैदे के लिए। इम्तियाज़ का कहना है ये गुच्छ जो जिसको हम बलोची में कहते हैं, पता नहीं इसको उर्दू में क्या कहते हैं, कहते हैं ये यरकान और मैदे के लिए बहुत ठीक है। इसका बीज इस्तेमाल करते हैं, ये क्या करते हैं? इसका पानी। अच्छा, इसका पानी इस्तेमाल करते हैं, इसका बीज इस्तेमाल नहीं करते, पानी निकाल कर इसका पीते हैं और मुख्तलिफ दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं। वो ये साफ़ी सिरप से बराबर है। अच्छा, ये साफ़ी सिरप, जिस तरह वो साफ़ी वो दिल को साफ करता है, दिल को साफ करता है, खून को साफ करता है, थोड़ा सा वो कड़वा होता है, तो ये उसके बराबर होता है अगर इसकी ये दवाई बनाई जाए। हकीम लोग ये इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। अच्छा, ठीक हो गया। मुझे Thank you.
वस्ती बुजदार से पीछे एक चौक का सामने वाला जो रास्ता आ रहा है वो यही कारपेट रोड है जिस पर हम आए थे, और ये वाला रास्ता है जो मंगरोठे की तरफ से आ रहा है और यूं ये सीधा टर्न करके वस्ती बुजदार की तरफ जा रहा है। ऐसे वस्ती बुजदार का चौक पीर हज़रत सूफ़ी नज़र हुसैन वलीउल्लाह यानी अल्लाह के दोस्तों के वैसे तो कई इकसाम हैं, इनमें दो इकसाम यहाँ बयान करना चाहता हूँ। वलीउल्लाह एक तो वो होते हैं जो कैफियत पर गालिब होते हैं, दूसरे वो होते हैं जिन पर कैफियत गालिब होती है। मेरे मुर्शिद करीम अलहाज हज़रत पीर सूफ़ी नज़र हुसैन रहमतुल्लाह अलैह वो बुज़ुर्ग हस्ती थे जो पहले तो कैफियत पर गालिब थे लेकिन बाद में उन पर कैफियत गालिब हो गई। जब किसी हस्ती पर कैफियत गालिब हो जाती है तो वो अल्लाह का वली दुनिया से कट जाता है। आसान लफ्ज़ों में जाऊं तो उससे दुनिया के तमाम कनेक्शन कट जाते हैं, फिर उसको दुनियादारी की कोई परवाह नहीं रहती कि दुनिया में क्या हो रहा है। ये सब जानते तो हैं लेकिन इनसे कोई वास्ता नहीं रखते। फिर न तो इनको किसी दौलत से, न जर से, न माल की, न दुनियावी इज्जत की, हती कि अपने लिबास की फिक्र नहीं रहती। इस तरह दुनिया में कोई भी चीज़ की उनको कोई फिक्र नहीं थी। जब से दुनिया से कनेक्शन कट जाता है तो अपने रब की याद से जा मिलते हैं, रात हो दिन हो हर वक्त अल्लाह की याद में मगन रहते हैं। खुदा ताला का हज़रत पीर इलहाज सूफ़ी नज़र हुसैन का दरबार शरीफ ज़ेर तामीर है। पहले यहाँ एक कमरा था, बाद में इस कमरे को शहीद करके अभी दोबारा असर नौ एक बहुत बड़ा कमरा बना रहे हैं। ये हज़रत पीर सूफ़ी नज़र हुसैन की आखिरी आराम का है। सामने पीर साहब के मस्जिद हैं और ये है मज़ार शरीफ हज़रत पीर सूफ़ी नज़र हुसैन का। अल्लाह पाक फरमाता है औलिया अल्लाह को न कोई खौफ है दुनिया का और न ही कोई खौफ है आखिरत का। वलीउल्लाह जन्नत की ज़मीनों और आसमानों के वारिस हैं, वो रोज़े महशर में बेखौफ होंगे। हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक फरमाता है कि जो मेरा कुर्ब हासिल करता है इबादत के ज़रिए या नवाफिल के ज़रिए मैं उसके बहुत करीब हो जाता हूँ, और जो मुझे पा लेता है मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ जिसे वो बोलता है, मैं उसकी कान बन जाता हूँ जिसे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिसे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिसे वो पुकारता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिसे वो चलता है, और वो मेरे लिए है मैं उसके लिए हूँ। बाकी क्या रह गया अल्लाह और बंदे के बीच, क्योंकि अल्लाह भी आशिक हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और तमाम औलिया अल्लाह भी, इसलिए वो उनको वो मुकाम हासिल है। इलहाज हज़रत पीर सूफ़ी नज़र हुसैन मेरे मुर्शिद पाक की कब्र मुबारक पर बोसा देने और दुरूद फातिहा पढ़ने के बाद मैं इसके साथ करीब मुल्हिक दरबार पे आ गया हूँ, जहाँ हज़रत पीर सूफ़ी नज़र हुसैन के वालिद साहब और दो बड़े भाई जिनकी आखिरी आराम गाहें इसी दरबार के अंदर हैं। ये एक छोटा सा कमरा है जिसमें सिर्फ तीन मज़ारे हैं, दरमियान में हज़रत पीर सूफ़ी नज़र हुसैन के वालिद साहब और साइडों पे दाएं और बाएं उनके भाइयों की कब्रें हैं। दुरूद फातिहा देने के बाद सामने अलमारी में मुझे कुरान पाक नज़र आए, मैंने कुरान पाक को खोला और उनको बोसा दिया है। कुरान पाक को बोसा देने के बाद सामने बरामदे में मुझे एक और कबर नज़र आ गया जो हज़रत पीर सूफ़ी नज़र हुसैन के वालदा की। दरबार से बाहर और हज़रत पीर सूफ़ी नज़र हुसैन की आखिरी आराम गाह के साथ सामने उनकी वालदा मुहतरमा की आखिरी आराम गाह है। हज़रत पीर सूफ़ी नज़र हुसैन के दरबार और उनके वालदैन और भाइयों के कब्रों पर दुरूद फातिहा देने के बाद हम करीबी मस्जिद में आ गए हैं। मस्जिद की ज़ियारत करने के लिए मस्जिद दरबारों के साथ मुलहिक है और दरबारों के साथ लंगर खाना है। जब हम आ रहे थे तो उस टाइम लंगर में रोटी बन रही थी, खाना तैयार हो रहा था। जितने भी यहाँ लोग आते हैं ज़ियारत के लिए वो लंगर खा के जाते हैं। हम थोड़े से जल्दी में हैं, शायद कि लंगर लेट बने, इस वजह से हम मस्जिद की ज़ियारत करके फिर वापस चले जाएंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह कल यहीं से शुरू करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और कल का व्लॉग लाजमी देखिएगा, यहीं से शुरू करेंगे।